environmental chemistry, spectroscopy, heterocyclic chemistry and organotransition metal chemistry. Four subjects के previous year के question paper इस video में share कर रही हूँ. साथ में मैं आपको बताऊँगी कि कौन सी unit आपको first attempt करनी चाहिए and कौन सी unit आपको last में करनी चाहिए. साथ में मैं आपको handwritten notes का PDF एंड सॉल्व क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. सो वीडियो पूरी देखिए सो दैट आपको क्वेश्चंस का पैटर्न समझ आ जाए. सबसे पहले आप देख सकते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, यहाँ पर यूनिट वन है. यूनिट वन में वन एंड सेकंड क्वेश्चन दिया है जिसमें से भी आपको लगता है कि आप इजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं. जो क्वेश्चन आप दोनों कर सकते हैं ठीक है, फर्स्ट का ए एंड बी पार्ट है, दोनों आते हैं, वो वाला आप चूज कर लें. यूनिट टू सेम सिमिलरली जैसे यूनिट वन है, यूनिट टू में भी आपको ऑप्शंस मिलेंगी. टोटल यूनिट फोर होती हैं ठीक है, तो यूनिट फोर में आपको हमेशा ऑप्शंस मिलती रहेंगी, लेकिन लास्ट सेक्शन होता है कंपलसरी क्वेश्चंस का जिसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलती है. तो आपने जब भी कोई भी यूनिट सेलेक्ट करनी है तो आपने ये ज़रूर देखना है कि मुझे उसमें से सारे क्वेश्चंस आते हैं. समटाइम हम स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि एक पार्ट तो आता था लेकिन दूसरा पार्ट नहीं आता है. एंड कंपलसरी क्वेश्चन हमेशा आपने लास्ट में ही करना है, अगर आप पहले स्टार्ट कर दोगे तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो छूट जाते हैं. स्पेक्ट्रोस्कोपी देख लेते हैं. सिमिलरली जैसे हमने एनवायरमेंटल में देखा, इसमें भी फोर यूनिट्स होती हैं ठीक है. तो आपने हमेशा बहुत ही शार्प माइंड से सिलेक्ट करना है बिकॉज जो पेपर का टाइमिंग होती है वो बहुत कम होती है एंड पेपर बहुत लेंथी होता है. तो आप ये देख लीजिए कि अगर आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है तो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन आप सिलेक्ट ना करें ठीक है. तो आप उसकी जगह थ्योरेटिकल पार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, डायग्रामेटिकल पार्ट, ग्राफ वगैरह जिसमें ज़्यादा आते हैं वो वाला पोर्शन सिलेक्ट कर सकते हैं. उसके बाद आप यूनिट टू भी देख सकते हैं, यूनिट थर्ड भी देख सकते हैं. आप इन क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, अदरवाइज मैंने इन क्वेश्चन पेपर का PDF फॉर्म बनाकर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. तो अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर, सॉल्व क्वेश्चन पेपर एंड हैंड रिटन नोट्स, तीनों के तीनों तरीके से मैंने आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है. फिर भी आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं. तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसमें मोस्टली जो आपसे पूछे जाते हैं वो न्यूमेरिकल तो आपको आएंगे ही आएंगे. अब आपने ये देखना है कि कौन सा न्यूमेरिकल जो है वो ज़्यादा मार्क्स का है ठीक है. अगर आपको लगता है कि वो न्यूमेरिकल आप अटैम्प्ट कर सकते हो तो आप वो यूनिट सेलेक्ट कर लो, अदरवाइज अगर आपको लगता है कि न्यूमेरिकल में मेरे एरर आ जाता है तो आप देखें कि अगर न्यूमेरिकल कम मार्क्स में पूछा गया वो वाली यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं. आगे आप देख सकते हैं यूनिट फोर्थ है ठीक है. इसमें आपसे ये पूछा गया है कि शॉर्ट नोट लिखना है एंड CNMR ज़्यादा सिलेक्टिव है. एंड उसी में आपसे ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें न्यूमेरिकल भी है, शॉर्ट नोट भी पूछा गया है एंड रीजनिंग क्वेश्चन भी पूछा गया है. तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, आपने कौन सी रिवीजन की है ठीक है. एंड जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि कंपलसरी क्वेश्चन आपने लास्ट में करने हैं बिकॉज ये टाइम भी कंज्यूम कर लेते हैं, इसके वजह से आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अच्छे से नहीं हो पाते हैं. तो कंपलसरी क्वेश्चन हमेशा आप लास्ट में करें. उसके बाद आ जाते हैं हम हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के ऊपर. तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछी गई है नॉमिनक्लेचर ठीक है. तो नॉमिनक्लेचर पर आप अगर एक्सपर्ट हो बिकॉज नॉमिनक्लेचर में एरर तो मोस्टली हो ही जाती है, अगर आपको लगता है फिर भी कि आपकी बहुत अच्छी रिवीजन हो चुकी है देन आप इसको फर्स्ट टच करें. अगर आपको लगता है कि इसकी बजाय आप थ्योरेटिकल पार्ट में क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हो तो आप वो चूज़ करें. तो इसके बाद आपको इसमें भी ऑप्शन मिलेगी यूनिट वन में भी ठीक है. एक में आपसे उन्होंने पूछ लिया नेमिंग पूछ ली ठीक है, साथ में क्वेश्चन पूछ लिया एंड सेकंड में भी शॉर्ट नोट पूछ लिया और स्ट्रक्चर्स पूछ लिए. तो आपके ऊपर है कि आपने कौन सा सिलेक्ट करना है. तो आप शॉर्ट शॉर्ट नोट वाले ना वो ज़्यादा सिलेक्ट करें बिकॉज शॉर्ट नोट में आपको इतना लेंथ नहीं बनानी पड़ती है. अगर आपसे 8 मार्क्स में ही एक रीजनिंग क्वेश्चन पूछ लिया उसमें आपको बहुत ज़्यादा लेंथ बनानी पड़ती है, वहाँ पर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो. तो शॉर्ट नोट्स में आपको स्प्लिट करके देते हैं क्वेश्चन, तो वहाँ पर आप अपनी जो लेंथ है वो मैनेज कर सकते हो, थोड़ी आगे पीछे कर सकते हो. उसके बाद आप देख सकते हैं फोर्थ क्वेश्चन है एंड थर्ड क्वेश्चन है. जैसे मैं ऊपर आपको दिखा देती हूँ कि डिस्कस हाउ बेंजो पायरोल इज सिंथेसाइज्ड बाय मेडिलंग मेथड एंड बिशनर मेथड. तो इसमें आपने थोड़ा सा ऊपर वाले का एक्सप्लेनेशन दे दिया, दूसरे का भी दे दिया, तो यहाँ पर मैनेज हो जाती है. अगर आपसे यही पूछा जाता कि मेडिसिनल एप्लीकेशन ऑफ बेंजो पायरोल, बेंजो फिरेन, बेंजो थाइफिन, तो यहाँ पर तो लेंथ बहुत ज़्यादा बनानी पड़ती है. तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो, अगर आपको वो ईजी लगता है वो कर लो. मैं अपने तरीके से आपको गाइड कर रही हूँ ठीक है, बाकी आपका अपना वे है पेपर अटैम्प्ट करने का, आपको शायद वो ईजी लगे. तो यहाँ पर जो हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री है या फिर आप देख सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं तो बहुत ही आपने ध्यान से चलना. हेट्रोसाइक्लिक में तो फिर भी थोड़ी बहुत रिएक्शंस होती हैं बट एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में भी लेंथ होती है बिकॉज वहाँ पर थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है, वहाँ पर आपने थ्योरी ही थ्योरी लिखनी होती है. और ऑर्गेनोट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री में भी थोड़ी सी रिएक्शन आ जाती है तो जिसकी वजह से आपकी लेंथ जो है वो ज़्यादा लगने लग जाती है क्वेश्चंस की. तो यहाँ पर कंपलसरी क्वेश्चन पहले आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कंपलसरी क्वेश्चन पहले स्टार्ट कर देना, आपने कंपलसरी क्वेश्चन लास्ट में ही करके आना है ठीक है. तो यूनिट फर्स्ट आप देख सकते हो,
जो भी क्वेश्चंस आपको लगता है ना कि बार बार रिपीट होते हैं, अब दो क्वेश्चन पेपर तो एटलीस्ट आपके पास होने ही चाहिए अपनी यूनिवर्सिटी के। अगर आपको लगता है कि दोनों रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, कोई भी आप दोनों क्वेश्चन पेपर में, वो आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, वो पक्का ही आएंगे, ये रूल है। क्योंकि जो क्वेश्चंस आपको रिपीट में मिलता है वो रिपीट में आना ही आना है, बिकॉज उसका ही स्कोप है इन द केमिस्ट्री। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है। अगर यह तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं FB पेज केमिस्ट्री क्वीन पर। हैंड रिटन नोट्स का आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड सॉल्व क्वेश्चन पेपर का भी मैं लिंक वहाँ पर ही दे रही हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक वहाँ पर ही आपको मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें। अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स का नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन ज़रूर चेक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।